Hello everyone, I am Richa. Welcome to my channel. Today we will study pronoun, its type with example. So keep on watching this video till the end. Pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun वो word है जो noun की जगह use किया जाता है. जैसे कि हम जानते हैं noun किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है और किसी person का नाम हो सकता है. उसके जगह यूज होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल. इस सेंटेंस में राम टू टाइम्स यूज हो रखा है. सो इट इज बेटर टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ राम. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू टाइम्स, हमने राम को रिप्लेस कर दिया है ही से. राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. तो ही राम की जगह यूज हो रहा है जो कि एक प्रोनाउन है. अब है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन. चलिए हम एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है. पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं. ओके, पर्सनल प्रोनाउन की यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल है. आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे ऑल स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन. सो व्हाट, व्हाट आर थ्री पर्सन्स? लाइक द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग. फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो बात कर रहा होता है, जो स्पीकिंग कर रहा होता है. एंड द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात कर रहा होता है उसे हम सेकेंड पर्सन कहते हैं. और जिसके बारे में बात हो रही होती है द पर्सन स्पोकन ऑफ, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. ओके, सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. तो आइए देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. It represents the action performed by the subject is on the subject itself. Means, अगर subject कोई action कर रहा है तो उसका reaction भी subject के ऊपर ही होना reflexive pronoun कहलाता है. Okay? For example, self and selves. Self हम use करते हैं my, him, your, her and it के साथ. तो ये बन जाते हैं myself, itself, yourself, himself, herself. Selves हम यूज करते हैं प्लुरल के साथ, लाइक आवर, them और your के साथ. और ये बन जाते हैं ourselves, yourselves, themselves. Sentences with reflexive pronoun. I hurt myself. इसमें आई जो वर्क कर रहा है उसका रिएक्शन ही सब्जेक्ट के ऊपर है, उसने अपने आप को ही चोट पहुंचाई. तो इसमें माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे हर्ट देमसेल्फ्स, उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाई. सो हियर देमसेल्फ्स इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब है हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन. देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, जिसे हम दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहते हैं. ओके, what is emphatic pronoun? An emphatic pronoun is that which is used to add emphasis to the subject of the sentence. Okay? ये pronoun वो word है जो किसी sentence में subject को ही emphasis दे. Like examples are self and selves. When we used self, my, your, him. तो ये बन जाते हैं yourself, himself, itself. और सेल्व्स को प्लुरल के साथ यूज करते हैं, लाइक आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्फ. लेकिन ये रिफ्लेक्सिव से बिल्कुल अपोजिट है. इसमें सब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि सब्जेक्ट जो है उसको एम्फसिस किया जा रहा है. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन? आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में यूज तो सेम एग्जाम्पल हो रहे हैं, लाइक myself, ourselves, yourself. लेकिन उनका किस जगह पर यूज होना है, किस तरह से यूज हो रहा है, वो उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है. लाइक फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
they are used as object of the verb. When the action of verb returns to the door, the subject and object of the sentence are the same person. Reflexive में subject and object एक ही person होते हैं और इसमें जो subject work कर रहा होता है उसका वो work का reaction भी subject के ऊपर ही होता है. Like I hurt myself, मैंने अपने आप को hurt किया, तो इसमें myself is a reflexive pronoun. Second one is emphatic pronoun. They are used to emphasize noun or pronoun. ये use किए जाते हैं noun और pronoun को emphasize करने के लिए. Like she herself opened the door. इस sentence में herself is a emphatic pronoun. इसमें noun और pronoun को emphasize किया जा रहा है और इस sentence में she एक pronoun है जिसको emphasize किया जा रहा है by herself. So herself is an emphatic pronoun. अब है हमारा next indefinite pronoun. देखिए indefinite pronoun क्या होता है, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. Sometimes the pronouns used in a sentence do not refer to any particular things or person. They are used in a general way. Such pronouns are known as indefinite pronouns. Okay? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि pronouns जो होते हैं सेंटेंस में वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स को रेफर नहीं करते हैं, वो एक तरह से जनरल वे में यूज किए जाते हैं, उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. एग्जांपल्स आर ऑल, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग एटसेट्रा. इसमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफर नहीं किया गया है, कोई भी हो सकता है. आइए सेंटेंस देखते हैं. Nobody can help you in this issue. तो यहाँ पे nobody means कोई भी नहीं. इसमें किसी भी person, specific person और specific thing को refer नहीं किया गया है. So nobody is an indefinite pronoun. Okay? Did you ask anybody to come? यहाँ पे anybody means किसी भी specific person और specific thing को refer नहीं किया गया है. So anybody is an indefinite pronoun. Somebody has stolen my watch. तो यहाँ पर भी किसी भी specific person को refer नहीं किया गया. So somebody is an indefinite pronoun. Okay? अब हमारा relative pronoun, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. आइए देखते हैं relative pronoun. और relative pronoun is one which is used to refer to noun mentioned previously, whether they are people, place, things, animals or ideas. Relative pronouns can be used to join two sentences. देखिए relative pronoun वो होती हैं जो use किए जाते हैं to refer to the noun, किसी noun को refer करने के लिए जो पहले use किए जा चुके हैं, और हम इन्हें बोल सकते हैं कि two sentences को join करने के लिए use किए जाते हैं. Okay? For example, who, whom, that, which, whoever, whomever, whichever. ये वो वर्ड है जो यूज किए जाते हैं टू रेफर्स टू नॉन मेंशन प्रीवियसली, वेदर देयर पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियल. चलिए सेंटेंस देखते हैं. दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट. ये वो जगह है जहां हम मिले थे. तो यहाँ पे वेयर वर्ड जो है वो रेफर कर रहा है एक नॉन को, किसी जगह को, किसी प्लेस को. सो वेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. ओके? यू कैन चूज वन पर्सन whom ever you like. तुम चूज कर सकते हो किसी एक पर्सन को जिसे तुम लाइक करते हो. तो यहाँ पे पर्सन को whom ever से रेफर किया गया, तो whom ever जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके? अब बाकी बचे टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.